देखो कंपास से भी नहीं बनेगी इतनी गोल। जरा सा बदलाव रिश्तों की सेहत के लिए अच्छा है, तो क्यों ना अपनों का खाना धारा ऑयल में बनाएं और रिश्तों की सेहत बढ़ाएं। वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। दमोह जिले के हटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिन दहाड़े एक युवक पर गोली चलाने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा घायल को हटा सिविल अस्पताल लाया गया, जहां से दमोह जिला अस्पताल युवक को रेफर किया गया है। वहीं युवक का इलाज जारी है। घटना के संबंध में युवक के द्वारा जानकारी दी गई, युवक की मां के द्वारा जानकारी दी गई। वहीं पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जाँच की जा रही है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार पुलिस के द्वारा आरोपी को पकड़ लिया गया है। आरोपी से पूछताछ जारी है। घटना के संबंध में युवक ने बताया कि लगातार 4-5 फायर किए गए, जिसके द्वारा फायर किए गए उसके मुंह में कपड़ा बंधा हुआ था। वहीं इस घटना में केवल एक व्यक्ति घायल है, जो कि हटा के पुष्पेंद्र हजारी का ड्राइवर है। क्या कहना है इसका, सुनते हैं। किसने मारी है? कहाँ पे लगी आपको, आप बताओ एक बार में क्या हो गया? पीछे लगी हमको पेट में। कहाँ का मामला है ये? हटा बचपन से हजारी उनकी गाड़ी चलाता हूँ मैं। हम लोग सोचे थे उनके घर पे भाई साहब भी रहते थे, भैया उनके लड़के पूजल वो भी रहते थे। एकदम से जी आया और इसने दो पार कर दी। किसने? वो जो आया था युवाना था, उसने दो पार कर दी। भैया उनके अंदर चले गए, उसने फिर मुझे देखा तो उसने लेटा था, उसने मुझे पीठ पर फायर कर दी। आप उससे पहचान गए होगे? नहीं पहचान पाएंगे, नहीं जाना तो फैल गया। क्या नाम है आपका? विजय कोहरी। बंदूक से किए या कट्टे से किए? छोटा सा था, सफेद कलर का बंदूक। किन किन की लड़ाई हुई थी? जीने पर आया, अंदर आया, फायर कर दिया। कितने फायर किए? किस किस को मारा? वो दो दीवार में चप्पल, भैया ने भाग दिया घर के अंदर, हम बैठे थे, उसने हमको देखा, उसने हमें मार दी और चला गया। क्या कह रहा था? कुछ नहीं बोला नहीं। वो तो धूप थी, 2-2.5 बजे का टाइम था, कोई नहीं था। बता बता का हो? हमें पता नहीं, हमारे लड़का को खो का गाँव, हमें खुद नहीं पता। हजारी जी की गाड़ी चलाते तो हम घर भगत गए। फिर भी आदमी कहते हैं कि दमू चलूगा, तो हमारे दमू ही आ गए। और हमें जो पता नहीं कि का बताई हमें जो कहते जबलपुर चलूगा। ये तो बताई का है जो कछु नहीं बताई, कहते अच्छो है तो लग लग गाँव गाड़ी चलाऊ। अब हमें का पता? आप कहाँ की रहने वाली हो? हटा के। कौन सी वार्ड में? मन भर की घटना की? हाँ हाँ, उनको घर माँ है नजदीक बनाई। हजारी जी के घर पे? हजारी जी के घर है। कौन हजारी? पुष्पेंद्र हजारी। उनके तो क्या करता थे? गाड़ी चलाओ तो उनको ड्राइवर है। कितने समय से चला रहा? 7 साल अपने भाई जा रहे। कोई विवाद वगैरह? अच्छा, हमें तो कुछ पता नहीं, हम तो भाई गाड़ी चलाओ। अभी घायल कहाँ हुआ है वो? घायल कहाँ हो वो?
घर पे क्या कहीं और घायल? अब हमें तो जो बच्चों ने दो आदमी आए बतावे के लगे चलो भाई तुम्हारे विजय को कछु लग गया हो अस्पताल है हमारे अस्पताल गए आधे हम गए आधे पापा गए हम भगत गए हजारी जी गए कि हमें तो करन तो पता कि का होगा गाड़ी घल गई कि का होगा तो उन्होंने कछु नहीं बताई तो भीड़ लगी थी सुनिए ऐसे हम घबरा गए रोन लगे सुनने बिठा रो पानी दाऊ के घबरा ले भाई ठीक है विजय अब यहाँ जी है उनने गोली मारी कुछ पता चली अब हम जी नए आ गए अब का पता होते का होगा कैसा होगा और डेढ़ घंटा की बात ही आई अब ये गाँव है घर है तो कपड़ा पा देने खाना खाओ कह लगो के मम्मी हमें रीवा जाने बस इतनी कह के भाग जाओ कह लो हम रात में नहीं आए हम तुम्हें फोन लगा दें नहीं आ पा रहे क्या नाम है आपका हम आऊ किसी से कोई विवाद था हम विवाद को नहीं है पता अभी तो ड्राइवर है उनके घर में को कुका मान हो सुनकर बता नहीं आपको विजय बता रहे हैं विजय लड़का का पति का नाम हां